एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और ममता सरकार के बीच तनातनी भी बढ़ रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवासी मजदूरों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। शाह ने बंगाल सरकार पर प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक ट्रेनों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी को भेजी चिट्ठी में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने में जुटी है, लेकिन ममता सरकार केंद्र का सहयोग नहीं कर रही है। शाह ने यह भी कहा कि ट्रेनों से करीब 2 लाख मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ममता सरकार प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों को राज्य सरकार के स्तर की मंजूरी नहीं देकर उनकी परेशानियों को बढ़ाने में लगी है। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की जांच को लेकर बंगाल भेजी गई केंद्रीय टीमों को लेकर भी ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच विवाद खड़ा हो गया था। बिना सलाह के केंद्रीय टीमें भेजे जाने पर ममता ने नाराजगी जताई थी। ममता ने कहा था कि केंद्र का यह कदम देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। तो चिट्ठी लिखी है गृहमंत्री अमित शाह ने और कहा है ममता बनर्जी से कि वो ट्रेनों को मंजूरी दें ताकि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। ये एक तरह से केंद्र का आरोप है कि राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है। और सोमनाथ सिंघाराय जुड़ गए हैं हमारे साथ, टीएमसी के नेता। सोमनाथ जी, ये जो चिट्ठी लिखी है गृहमंत्री ने और सीधा आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ट्रेनों को इजाजत नहीं दे रही है जिसकी वजह से मजदूरों को उनके घर नहीं पहुंचाया जा सक रहा है, क्या कहना है आपका? ये तो एकदम पूरा एक झूठा फैला रहा है। 2021 में इलेक्शन है, ये बीजेपी इलेक्शन बगैर कुछ सोचता भी नहीं है। ऑलरेडी दो ट्रेन आया है, केरल से एक अजमेर से। जब अजमेर से ट्रेन आया तब लोग ने बोला था यहाँ पर बीजेपी वाले ने जो उसमें वो माइग्रेंट लेबर नहीं आया, उससे सब मुस्लिम को लेकर आया था अजमेर से, ऐसा भी इन लोगों ने यहाँ पर बोला है। और 8 ट्रेन के लिए ममता बनर्जी काली, मैंने सबसे काली रेलवे को रिक्वेस्ट किया 8 ट्रेन ले आने के लिए, ये लेबर ले आने के लिए। एक्चुअली बीजेपी पार्टी का कुछ काम नहीं है, उनको टारगेट है अभी बिहार और वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे भी करो काली लगाओ, कुछ भी करके आप बोलिए, अभी ये टाइम है पॉलिटिक्स करने का। अब दीदी ने हर बार अपना जानबाजी लगा के वो सेवा करने का कोशिश कर रहा है, बंगाल में कोरोना के हटाने के लिए कोशिश कर रहा है, और वहां से आ रहा है कोई सेंट्रल टीम, कभी कभी यहाँ का जो गवर्नर, कभी कभी बीजेपी लीडर लोग, ये लोग यहाँ पर कुछ नहीं परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। ये लोग अगर शांत रहे तो दीदी का जो लड़ाई करना का वर्सेस दीदी जो लड़ाई लड़ रहा है बंगाल में, ये भारत के लिए अच्छा होगा। बंगाल में कोरोना रहेगा और वो गुजरात में नहीं फैलाएगा, ऐसा नहीं है, बंगाल सुधर। लेकिन सोमनाथ जी, ये ठीक है, ये ठीक है आप जो कह रहे हैं कि पूरे देश से कोरोना को हटाना होगा, किसी एक राज्य से नहीं, लेकिन देश के गृहमंत्री हैं और गृहमंत्री के पास आधिकारिक सूचनाएं होती हैं। अगर वो चिट्ठी लिख रहे हैं तो क्या माना जाए, वो चिट्ठी महज राजनीतिक चिट्ठी है और इसका कोई माकूल जवाब राज्य सरकार देगी या नहीं देगी? देखिए, मैं आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ तृणमूल कांग्रेस। अभी तृणमूल कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है सौगत रॉय, अभी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो एकदम साफ बोल रहा है कि झूठ 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 और झूठ, ये लोगों का काम कुछ नहीं है, कैसे भी करके ममता बनर्जी को परेशान में डालो, कैसे भी करके ममता बनर्जी को काली लगाओ। दीदी ने, आप बताइए ना, एक भी चीफ मिनिस्टर दिखाइए जो रास्ते पे उतार के कोरोना का वर्सेस लड़ रहा है। दीदी ने बोला है अगर आम आदमी घर पे रहेंगे डर से तो हमको रास्ते पे रहना पड़ेगा, अगर जान जाएगा तो जान जाने दीजिए, लेकिन मैं आम आदमी का साथ हूँ, जनता का साथ हूँ। दीदी ने कोशिश कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उन्होंने पहले से बताया अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, ये टारगेट है 2021 बंगाल, अभी कैसे भी करके कभी हिंदू मुस्लिम करो, कभी परिधि श्रमिक करो। आप बोलिए रास्ते पे है ये, जब माइग्रेंट लेबर रास्ते पे है, ट्रेन उसको कुचल के चला जा रहा है, फिर भी लोगों शर्म नाम करके कुछ चीज नहीं है, सिर्फ ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, यही सिर्फ टीवी में बोल रहा है और स्टेटमेंट दे रहा है जी। हम बंगाल में रहने वाले, हम आम आदमी, दीदी जो कर रहे हैं उसके ऊपर खुश है, उसके ऊपर विश्वास है, अमित शाह का ऊपर हम लोग का भरोसा बिल्कुल नहीं है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए सोमनाथ जी। यानी कि कोरोना है बहाना, बंगाल की सत्ता है निशाना, ये टीएमसी के समर्थक लोग कह रहे हैं। चित्रता सान्याल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रता जी, ये जो
गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है। जाहिर है गृह मंत्री की चिट्ठी कोई हम राजनीतिक बयानबाजी सिर्फ नहीं मान सकते, बहुत सी सूचनाएं होती हैं, बहुत से आधिकारिक वक्तव्य के रूप में इसको देखा जाएगा। क्या इतना सामान्य मसला है कि ट्रेनों की इजाजत ममता बनर्जी नहीं दे रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसे कठिन समय में जिस तरह से हर एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है अपने राज्य में किस तरह कोरोना को रोका जाए, उसी टाइम पे पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार में कहा जा सकता है जिस तरह के चिट्ठियों का एक युद्ध शुरू हुआ है, ये बहुत दुखद है। क्योंकि ऐसे एक मौके पे हर वक्त ये करना चाहिए कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार को अपने राज्यों में कोरोना मुक्त कैसे किया जा सकता है, इस तरह के पहलू या इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए। पर जो हमको दिखाई दे रहा है कि हर चीज पे, हर मामले में बीजेपी हो या केंद्र सरकार हो, उसके साथ तृणमूल कांग्रेस या पश्चिम बंगाल की सरकार के, जिस तरह से एक बोल सकते हैं कि टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये एक राजनीति तो हो सकती है, पर ऐसे मौके पे जब कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है और हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी लोगों की मृत्यु बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में इस तरह का जो वातावरण तैयार हो रहा है दोनों सरकारों के बीच में, ये बिल्कुल आम जनता के लिए अच्छा नहीं है। शायद हो सकता है राजनीति के तौर पे ये अच्छा हो दोनों दलों के लिए, चाहे बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, हम जानते हैं कि अगले साल जो है इलेक्शन आने वाला है और ये तैयारी शुरू हो गई है, ये सामने दिखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि ममता सरकार जो है, ये इनकी पहली टकराव जो हुई केंद्र सरकार के साथ, वो कितने लोग मारे गए हैं कोरोना में और कितने लोग अभी भी कोरोना क्रांत हैं, इससे सबसे पहले, और हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल के जो विरोधी दल हैं उन्होंने बार बार इस बात को उठाया कि जिस तरह की मृत्यु वहां हो रही है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसको दबा रही है। और इससे ही केंद्र सरकार ने पहली बार इसको लेके एक केंद्र की टीम भेजी, एक पत्र लिखा कि प्लीज आप राज्य सरकार को कि प्लीज आप बताएं, सही तरीके से जांच करवाएं कितनी मृत्यु हुई है, ये सही टाइम संख्या बताएं। इस चीजों के लिए हम देख रहे हैं ये टकराव चलती जा रही है। हमने देखा कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उनका भी जिस तरह से वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, अगर ममता बनर्जी उनको 5 पेज की चिट्ठी लिख रही है तो उनके जवाब में वो 10 पेज की चिट्ठी दे रही है, ये दिखाई नहीं देता है। दूसरे राज्यों में भी कोरोना में मृत्यु हो रही है और लोग काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ काम कर रहे हैं राज्य सरकार, इस तरह के कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है सिवाय पश्चिम बंगाल के। क्योंकि ये साफ चीज है कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस आने वाले हैं और इस चीज को मुद्दा बना के तृणमूल कांग्रेस भी और बीजेपी भी इलेक्शन में उतरेंगे, ये साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चित्रता जी इस सारी बातचीत के लिए। तो बंगाल में जो राजनीति का वायरस है वो फिलहाल जो कोरोना का वायरस है उससे ज़्यादा गंभीर रूप ले चुका है।